बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के पूजा के लिए बुकिंग की जो शुरुआत है वो अब शुरू हो चुकी है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। BKTC ने इस की शुरुआत की है पूजा की बुकिंग की। मंदिर समिति ने पूजा बुकिंग की तैयारियां शुरू कर दी है और उसको लेकर बुकिंग्स भी लगातार सामने आ रही हैं। तो बद्रीनाथ यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग यहां पर हो रही है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ .gov.in पर श्रद्धालु टिकट ले सकते हैं। तो 29 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और अब वहां पर विशेष पूजा के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है उसके तहत काफी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स यहां पर श्रद्धालुओं का इस दौरान देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी यहां पर ऑनलाइन के जरिए पूजा की बुकिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ .gov.in पर यहां लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी पूजा की बुकिंग यहां पर कर सकते हैं। तो 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और अभी से ही उत्साह लोगों में यहां पर देखने को मिल रहा है। BKTC के जरिए ये जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है और अजीत कंबोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, कल यहां पर तिथि का ऐलान हुआ था और उसके बाद से ही जो जिन लोगों के मन में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए उत्साहित जो हैं उनके यहाँ पर अच्छे रिस्पॉन्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। क्या कोई जानकारी अभी तक कितनी ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर हो चुकी है पूजा के लिए? बिल्कुल ऋतु, अगर ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए तो कल जब तिथियों की घोषणा हो चुकी है और 29 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत जो चारधाम यात्रा है उसका भी आगाज हो जाएगा। तो अब बद्री केदार मंदिर समिति ने ऑनलाइन जो बुकिंग की प्रक्रिया है उसको भी प्रारंभ कर दिया है। हालांकि कल दोपहर बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई है तो अभी ताजा आंकड़े नहीं आ पाए हैं कि कुल कितना शुरुआती रुझान मिला है, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले भविष्य में जब 29 अप्रैल को जब विधिवत आगाज होगा पूजा का चारधाम यात्रा का तो उससे पहले काफी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यम से भी पूजा अर्चना के लिए बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। BKTC जो बद्री केदार मंदिर समिति है संचालन करती है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम यात्रा का, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो तीर्थ यात्री भक्त दोनों धामों के लिए आते हैं उनको सुविधाएं दी जा सके। उसके लिए चाहे ऑनलाइन माध्यम से पूजा अर्चना की शुरुआत हो या फिर जो मंदिर समिति के जो प्रांगण में तमाम व्यवस्थाएं बनानी होती है उनकी हो, तो ऐसे में दोनों ही मंदिरों के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने अब ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है जो आने वाले भविष्य में बेहतर माध्यम बनकर सामने होगी। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।